Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब ये फिर से इस बात पे जोर दे रही है कि मैंने डायरी क्यों रखी। बोलती है मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब इस पे ये और हमें क्लियर कर रही है कि क्यों, व्हाई शी डजंट हैव एनी फ्रेंड। इसको कोई, इसका कोई फ्रेंड है ही नहीं। और बोलती है कि ये तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि एक 13 ईयर की लड़की, एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। फिर खुद ही बोलती है एंड आई एम नॉट, मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर। मेरे तो काफ़ी लविंग पेरेंट्स है और मेरी एक 16 साल की बहन भी है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और मेरे आस पास कम से कम 30 लोग तो होंगे जिनको मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम। मेरे पास सब कुछ है, फैमिली है, लविंग आंट्स है, मेरे पास अच्छा घर है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऊपर से तो लगता है, ऊपर से सबको, कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक सच्चे दोस्त की मेरी लाइफ में कमी है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मैं अच्छा टाइम गुजारूँ इनके साथ, ठीक है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। मैं और उनके साथ कुछ बात कर नहीं सकती हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ मैं अपनी ऑर्डिनरी जो डे टू डे लाइफ है इसके बारे में मैं उनके साथ बात करती हूँ। यानी कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उनके साथ अपने अंदर की दिल की बात करने में, मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं सिर्फ उनके साथ रोज़मर्रा की बातें करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता है कि मतलब हम क्लोज़ हो पा रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्लोज़ हो पा रही हूँ जहाँ पे मैं उनको अपने दिल की बात बता देती, वो एक प्रॉब्लम है। हम क्लोज़ नहीं हो पा रहे हैं। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है मेरी मुझ में ही कमी है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे को अपना राज नहीं बोल पा रहे हैं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ऐसा ही है बस। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और ये चीज़ें चेंज तो होने वाली नहीं हैं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैंने डायरी शुरू की, ठीक है। इसको लगता है कि अगर दिल की बात में किसी से कहूँ, कुछ भी रीज़न हो सकता है वाई शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल, इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। मे बी शी इज़ एफ्रेड कि कहीं ये दूसरे लोगों को ना बता दे, ठीक है। तो ये इसलिए कन्फाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने राज, दूसरे को नहीं बोल पाना, वही होता है कन्फाइड नहीं कर पाना। तो टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। तो ये जो मेरा इसके अंदर जो ख्वाहिश है कि मेरी एक फ्रेंड होनी चाहिए, काफ़ी टाइम से इस ये इमेजिन कर रही है कि एक सच्ची फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त मुझे मिल जाए जहाँ पे मैं उसको हर बात बोलूँ। मगर इसको लगता है कि ये बोलती है मैं इस डायरी में लिखने वाली नहीं हूँ वो सारी बातें, वो सच्ची बातें, दिल की बातें जो अक्सर लोग करते हैं। मुझे लगता है क्योंकि इसको यहाँ पर भी कुछ डाउट है, हो सकता है इसको ये डाउट है कि डायरी कहीं कोई पढ़ ना ले। शी इज़ एक्चुअली इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ गर्ल, इस इन लाइन से पता चलता है शी इज़ इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स जो अंदर से ही बातें रखता है, एक्सट्रोवर्ट हो गया उसका ऑपोजिट, जो बात खुल के करे, ठीक है, दिल खोल के, और जो कह ना पाए, जो अंदर ही रखता है दिल में बात, वो इंट्रोवर्ट होता है। तो अब ये बोलती है कि मैं वैसा नहीं करूँगी, मैं इस पर सारा कुछ नहीं लिखने वाली हूँ, हाँ मैं इसको अपना फ्रेंड बोलूँगी और मैं इसको अपना नाम, इसका नाम किटी रख देती हूँ। किसका नाम? डायरी का नाम। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। ओके,
अब इसको यहाँ से ये कॉन्शियस भी है कि कभी कोई ये डायरी पढ़ ना ले, वहाँ से भी मतलब इस ये शी इज़ ऑल अवेयर, शी इज़ वेरी कॉन्शियस गर्ल। इसको इसको यहाँ से ये भी लग रहा है कि कहीं कोई ये डायरी कभी पढ़ ना ले तो मैं स्ट्रेट इसको अपनी बातें कैसे करूँ, पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वही बोलती है कि इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया लिखना बिना कुछ अपने बारे में स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करने के बगैर, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि इसको अच्छा नहीं लग रहा है अपना इंट्रोडक्शन देना, अपनी लाइफ के बारे में बोलना वगैरह। ये बोलती है मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मुझे पसंद नहीं है वो सब करना, बट शी फील्स कि नहीं इसको ये करना है, इसको ये करना है। ये डायरेक्टली नहीं जंप मार सकती है डायरी पे, कुछ भी लिख सकती है, पहले ये ज़रूरी देना चाहती है एक प्रॉपर तरीके में इसकी डायरी रहे, ठीक है। इसलिए ये चाहती है मैं अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच इसमें लिख दूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, यानी कि इसके फादर की ठीक ठाक एज में शादी हुई है, ही वॉज 35 एंड मदर वॉज ओनली 25, 10 ईयर्स का डिफरेंस। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। इसकी सिस्टर जो है मार्गरेट, वो पैदा हुई है फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी की कैपिटल, 1926 में पैदा हुई, फ्रैंकफर्ट जर्मनी की कैपिटल है। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 June 1929, अपना डेट ऑफ बर्थ बोल रही है। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, वहाँ पे मैं 4 साल रही, जब तक मैं 4 साल की हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इसके बाद इसका जो फादर है वो इमिग्रेशन करता है, इमिग्रेशन समझते हो मतलब हिजरत करता है, कहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना रहने के लिए, तो हॉलैंड चला गया। हॉलैंड वही है नदरलैंड्स, ठीक है, हॉलैंड में नेदरलैंड है, गॉट इट, नेदरलैंड जगह है और वहाँ की जो कैपिटल है दैट इज़ एमस्टरडम, एंड हॉलैंड इज़ वन मोर प्लेस, एक और जगह है वहाँ पे नेदरलैंड में, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, अब इसका फादर वहाँ इमिग्रेशन कर लेता है, वहाँ चला जाता है 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंड फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, इसकी माँ भी चली जाती है, हाँ अपने हस्बैंड के साथ, इसके फादर के साथ चली जाती है हॉलैंड। और वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू आचिन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, इन दोनों को भेजा जाता है इनकी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ कहाँ चले जाते हैं, हॉलैंड। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी, इसके बाद ये अपनी बड़ी बेटी को बुला लेते हैं वहाँ पे हॉलैंड, और ये भी चली जाती है, फिर दिसंबर में उसको बुलाते हैं और फरवरी में कौन जाती है, एन जाती है, एन को भेजा जाता है। व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, और मुझे ऐसे यहाँ पे इसका सेंस ऑफ ह्यूमर समझ आ रहा है हमें, मतलब इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा खासा है, और इसको ऐसे पटका जाता है, ऐसे रखा जाता है टेबल पे जैसे कि किसी का, जैसे कि मार्गरेट का प्रेजेंट बर्थडे प्रेजेंट रखा गया है, हाँ वैसे ही इसको कहाँ पे रखा गया, बिठाया गया टेबल पे, ठीक है। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, जैसे मैं इसका मार्गरेट का क्या थी, बर्थडे प्रेजेंट, ऐसे मुझे टेबल पे रखा गया। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupras, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. अब इसको भेजा गया वहाँ पे नर्सरी स्कूल में, ठीक है, तो वहाँ पे 6 साल तक ये रहती है, और 6 साल तक जब ये जब नहीं 6 साल की हो जाती है, 6 साल तक नहीं 6 साल की जब ये हो जाती है, when I was until I was 6, उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड हाँ मैं चली जाती है। इन द सिक्स्थ फॉर्म जब सिक्स्थ क्लास में चढ़ जाती है, इसकी टीचर होती है क्यूप्रस, मिसेस क्यूप्रस जो हेडमिस्ट्रेस होती है, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी होती है, ये दोनों रोते हैं उस टाइम क्योंकि इसको जाना है, हाँ तो दोनों का दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, इसको गुड बाई कहती है, लेकिन दोनों रो रहे हैं, ठीक है, एन भी और
मिसेस क्यूप्रस भी, यानी कि ये अटैच भी होती है लोगों के साथ। यहाँ हमें ये भी समझ आ रहा है, आप समझ रहे हो, जब ये कहानी हमें बोलती है तब हमें इसका इसका नेचर, इसका कैरेक्टर, हाँ वो सब समझ आता है साथ साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलती है, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। अब समर्स में इसकी जो ग्रैंड मदर है वो बीमार हो जाती है और फिर उसको क्या हो जाता है, उसको उसका ऑपरेशन हो जाता है और इसका बर्थडे इनको उधर उसमें सेलिब्रेशंस नहीं होती, क्योंकि वो उसका ऑपरेशन होता है, घर में बीमारी होती है, बीमारदारी होती है, इसलिए इसका जो बर्थडे होता है वो सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, इसकी ग्रैंड मदर गुजर जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, किसी को पता ही नहीं है कि मैं अभी आज भी कितना उसके बारे में सोचती हूँ और उससे कितना प्यार करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एन का इमोशनल साइड भी समझ आ रहा है, जैसे कि मिसेस क्यूप्रस के टाइम पे, स्कूल अलग होने के टाइम पे किस तरह से वो रोती है, या इसकी ग्रैंडमा से यहाँ पे ये सीधे बोलती है कि किस तरह से ये अटैच्ड थी, ठीक है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। इसके बाद जो है इसकी ग्रैंड मदर गुजर जाती है 1942 में, फिर इसका जो बर्थडे आता है 1942 में वो मनाया जाता है, क्योंकि पहला तो मनाया नहीं गया था, हाँ तो वो उसको मेकअप करने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए, उसका वो बराबर करने के लिए किताब नहीं मनाया था, आज मनाया गया 1942 में, फिर इसका बर्थडे फिर से मनाया जाता है। एक कैंडल भी जलाया जाता है इसकी ग्रैंड माँ की याद में, ठीक है। तो फिर ये बोलती है द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड ब्रिंग्स And that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. ठीक है, इसके बाद बोलती है हम चार आज ठीक हैं, और ये डेट कब पढ़ रहा है डायरी पे, 1942 20th June. ओके, देन शी सेज डियरेस्ट किटी, अब ये स्टार्ट कर रही है, इसने स्टार्ट किया हुआ है, डायरी में लिख रही है। और एंटायर क्लास वॉज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, अपनी स्कूल का क्लासरूम का एक एपिसोड ये डायरी को बता रही है कि क्या हो गया। बोलती है कि पूरी क्लास जो है वो डर के मारे थर थरा रही थी। क्वैकिंग मीन्स, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स थर थराना, डर के मारे। क्यों? द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, क्योंकि इसके बाद जो मीटिंग होने वाली थी टीचर्स की, उसमें डिसाइड होने वाला था किस किस को आगे भेजा जाएगा और किस किस को इसी क्लास में रखा जाएगा, यानी कौन पास होगा और कौन फेल। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जी एन एंड आई लाफ आवर सेल्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सी एन एंड जैकस हु हैव टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैट। अब पूरी क्लास में शर्त चल रही है, शर्तें लग रही हैं, कोई बोल रहा है कि ये आगे जाएगा, कोई बोल रहा है वो आगे जाएगा, मैं आगे नहीं जाऊंगी, ये पास हो जाएगा, ऐसे ही कर रहे हैं हम। ये बोलती है इसकी एक फ्रेंड जीएन और ये बहुत हंस रहे हैं, ठीक है। एंड आई लाफ आवर सेल्स सिली एट द टू बॉयज़, हम बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पीछे जो दो बॉयज़ थे, दो लड़के थे, उनका नाम था सीएन और जैक्स, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने हॉलीडेज़ का जितना भी उन्होंने ये सेविंग्स बचाई हुई थी, जो इन्होंने हॉलीडेज़ के लिए रखी थी, पूरा उस स्टेक पे लगा दिया, वो बेट पे लगा दिया, शर्त पे लगा दिया, ठीक है। मतलब कि वो हार भी सकते थे और इनकी ये सेविंग्स चली जा, इसको ये लग रहा है ये सब बकवास, इसको ये सब अजीब सा लग रहा है, बचपना जैसा लग रहा है, ठीक है, इसीलिए ये हंस रही है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स You are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. तो ये बोल रही है सुबह से शाम तक क्लास में बस यही हो रहा है, तुम पास होने वाली हो, नहीं 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 मैं नहीं, तुम पास हो जाओगी, नहीं नहीं मैं नहीं, बस पूरे पूरा दिन यही चलता रहा हमारी क्लास में, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व कर रही है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, और इसको ये अजीब सा लग रहा है, ठीक है, इसको इस पर हंसी भी आ रही है, इसको लग रहा है कितने बेवकूफ़ से है। इवन जीज़ pleading glances and my angry outbursts
कान काम देम डाउन, हालांकि हम उनको दिखा रहे थे मुंह से, कभी हम उनको गुस्सा कर रहे थे ज़रा चुप हो जाओ, लेकिन कोई भी चीज़ उन पर असर नहीं कर रही थी, वो बस यही बोले जा रहे थे कौन पास होगा, मैं पास हो जाऊंगी, नहीं तुम पास हो जाओगे। ठीक, इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से आधी से ज़्यादा क्लास इसको लगती है, क्या लगती है, बेवकूफ़ डमीज इसके हिसाब से, तो ये क्या बोलती है, मतलब मेरे हिसाब से आधी से ज़्यादा क्लास को तो पीछे ही रखना चाहिए, इनको पास करना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसको लगता है कि टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं।